आज तो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे। तो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, आप जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे वीडियो बना दें। तो आज जो है मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे वीडियो बनाऊंगी। सो डोंट वरी गाइस, मैं जो है इस बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं मैं उन सब पे वीडियोस अपलोड करूंगी, उन सब पे जो है मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगी। और जो चैप्टर के एंड में जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंशाल्लाह उनको भी अपलोड कर दूंगी। तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को देखा जाए तो वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो ये कि वो किस टाइप की टेक्नोलॉजी को हैंडल करता है, और दूसरा कि उसका साइज़, और तीसरा यानी हम कंप्यूटर्स को किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। एक तो हमारे पास जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस होगा। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे पास तीन टाइप्स के कंप्यूटर हैं। एक तो एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब चलिए बात करते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड वोल्टेज, स्पीड एंड वेट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कंटिन्यूस वेरिंग फिजिकल क्वांटिटीज से मतलब ये है कि वो क्वांटिटीज जिनकी एक रेंज हो। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को ले लेते हैं, टेम्परेचर की एक रेंज है। टेम्परेचर की क्या रेंज है? ज़ीरो से लेकर मिनिमम पॉइंट से लेकर मैक्सिमम। मिनिमम क्या है उसमें? ज़ीरो सेल्सियस। मैक्सिमम क्या है? 100 सेल्सियस। अब ये क्या है? कंटिन्यूस है, टेम्परेचर बढ़ेगा भी कम भी होगा। तो एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कंटिन्यूस वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज यानी इस टाइप के डेटा को हैंडल करते हैं। इसमें एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर स्पीडोमीटर ऑफ द कार। स्पीडोमीटर आपने कार का देखा होगा, वो जो है कंटिन्यूस होता है, उसकी एक रेंज भी होती है और वो कंटिन्यूस होता है, कभी रुकता नहीं है, कभी कम होगा तो कभी बढ़ेगा। और वोल्ट मीटर। हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। हम बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? बाइनरी नंबर्स हमारे पास एक तो ज़ीरो होता है और हमारे पास एक वन होता है। सही, ये हमारे पास जो है बाइनरी नंबरिंग सिस्टम्स होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, आपके घर में पीसीओ होगा, सही, वो भी बाइनरी नंबरिंग सिस्टम को ही फॉलो करेगा, क्योंकि हर एक कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबरिंग सिस्टम को जो है फॉलो करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिस जो सिर्फ कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि वो ज़ीरो एंड वन की फॉर्म में होती है। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स की। हाइब्रिड कंप्यूटर्स अगर देखा जाए तो वो डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन है। अब इस कंप्यूटर में क्या है कि इस कंप्यूटर में ये बात है कि ये इसमें जो है दोनों फीचर्स हैं। अभी इसमें जो है हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर्स का भी फीचर होगा एंड एनालॉग कंप्यूटर के फीचर होगा उसमें। तो अब हाइब्रिड कंप्यूटर जो है, हमें जो है डेटा जो है उसका आउटपुट जो है उसका, वो डिजिटल में भी दे सकता है और एनालॉग में भी दे सकता है। आप जो है इसमें ज़्यादा जो है डिटेल में ना जाइए, बस ऊपर से समझ लीजिए कि हाँ हाँ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स के हिसाब से यही कंप्यूटर्स होते हैं। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़। अकॉर्डिंग टू साइज़ के हिसाब से हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं। अकॉर्डिंग टू साइज़ के हिसाब से कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अब वो 4 ग्रुप्स कौन से हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। एक तो है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल, फास्टेस्ट एंड द लार्जेस्ट कंप्यूटर्स। अब सुपर कंप्यूटर्स जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, अगर पावरफुल जो है होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। दीज कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज इन साइंटिफिक एप्लीकेशन सच एज आर एरोडायनामिक्स, डिज़ाइन सिमुलेशन, प्रोसेसिंग ऑफ जियोलॉजिकल डेटा, वेदर फोरकास्टिंग एंड न्यूक्लियर रिसर्च। ये कंप्यूटर्स अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और जो है हम जो है जनरल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर पावरफुल मल्टी यूज़र एंड मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स।
दे कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस एट वेरी हाई स्पीड। अब मेन फ्रेम भी जो है एक टाइप का जो है कंप्यूटर होता है, वो जो है मल्टी यूज़र यानी उससे जो है बहुत सारे यूज़र्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और मल्टी प्रोसेसर्स यानी उसमें एक प्रोसेसर नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं। और वो जो है बहुत सारे, भले जितना भी डेटा हो, भले बहुत बड़ा डेटा हो, उसको जो है एट वेरी हाई स्पीड पे जो है उसको प्रोसेस कर देता है, उसको कैलकुलेट कर देता है। मेन फ्रेम्स आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्टाइज टू बी इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेटेड। अब जैसे मैंने आपको बताया सुपर कंप्यूटर्स तो एक्सपेंसिव होते ही हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और वो जो है कोई आम इंसान जो है उन्हें इंस्टॉल वगैरह नहीं कर सकता। उनके लिए जो है कोई एक्सपर्ट्स वगैरह चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए उनके लिए, तो कोई एक्सपर्ट ही होगा जो उन्हें इंस्टॉल वगैरह कर सकेगा, उसको सेटिंग वगैरह उसकी कर सकेगा, उसको ऑपरेट कर सकेगा। ऑलराइट, अब ये जो कंप्यूटर्स हैं ये बैंक्स वगैरह में काम आ सकते हैं, वो बैंक्स वगैरह में यूज़ होते हैं जहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है। आपको पता है बैंक्स वगैरह में कितना सारा डेटा होगा, कितने सारे लोगों के जो है बैंक अकाउंट्स होंगे, एंड मेनी लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डेटा होता है, तो इसमें भी जो है मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आप सोच रहे होंगे कि हमने नहीं देखा, तो आप जो है गूगल पे जाइए, सर्च करेंगे तो आपको जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर आपकी वहाँ पे पिक होगी, आप जो है देख लीजिए। अब तीसरा है मिनी कंप्यूटर। अब आप सोच रहे होंगे कि मिनी कंप्यूटर जो है हमारा फ़ोन भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है। नहीं, मिनी कंप्यूटर जो है इस कैटेगरी में नहीं आते। दीज आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये जो है यानी स्मॉल होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के, बट दे आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स। पर इनकी जो स्पीड होती है यानी इनकी जो पावर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है माइक्रो कंप्यूटर्स पे। अब माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स की जो आम पीसी जो है हम घर में यूज़ करते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा जो है ये पावरफुल होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स यूजली यूज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या मुराद है, ये आप जो है आगे चलकर पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ जैसे हमारे हो गया, ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मिनी कंप्यूटर्स जो हैं इसमें मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, यानी मल्टी यूज़र से क्या मुराद की यानी इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, यानी बहुत सारे होंगे, यानी साइमल्टेनियसली जो है हम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है उस कंप्यूटर में जो है और उसकी सेटिंग वगैरह उसको सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तो विंडोज़ है, और दूसरा जो है हम अगर लिनक्स चलाना चाहें ना तो उसमें हम कर सकते हैं। फिर आपकी जब मर्ज़ी है कि आप जो है विंडोज़ चलाओ या फिर लिनक्स चलाओ, इट्स डिपेंड ऑन यू। और मल्टी यूज़र्स कैन यूज़ द मिनी कंप्यूटर्स थ्रू टर्मिनल्स। मिनी कंप्यूटर्स में भी यूज़ एज ए नेटवर्क सर्वर्स एंड इंटरनेट सर्वर्स। ये आप आगे पढ़ेंगे आगे, नेटवर्क सर्वर्स एंड इंटरनेट सर्वर्स। अब यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह लिखे हुए हैं, आप जो है इन्हें मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। ओके, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर्स जो है ये जो है हमने जो है पर्सनल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। अब इसी कैटेगरी में जो है हमारे मोबाइल फ़ोन्स भी आते हैं, हमारे लैपटॉप्स भी आते हैं, हमारे टैबलेट्स भी आते हैं। सही, तो माइक्रो कंप्यूटर्स को जो है हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं, जैसे हम पीसीस कहते हैं। द यूज़ ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर हैज़ मेड द कंप्यूटर चीपर येट फास्टर एंड मोर रिलायबल। तो आपको ये पता ही होगा कि जो चिप यूज़ की जाती है माइक्रो कंप्यूटर्स में, वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। दीज आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स डिज़ाइन टू बी यूज बाई इंडिविजुअल्स, यानी कोई एक बंदा जो है ना यूज़ कर सकता है बहुत आराम से। PCs can be used for a variety of the tasks like documentation, calculation, illustration and entertainment. जैसे हमारे पास घर में PC होता है, हम जो है इन डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, या फिर कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी हो, या फिर हमें कोई इंटरटेनमेंट यानी गेम वगैरह खेलनी हो, या फिर कोई वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। The power of the network and internet has also made it more useful.
नाउ कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन। अब कंप्यूटर्स को जो हम कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एज यू नो, अकॉर्डिंग टू पर्पज़ के हिसाब से जो है दो किस्म के पर्पज़ हो सकते हैं। एक तो जनरल पर्पज़ हो सकता है और एक तो हमारे पास हो सकता है स्पेशल पर्पज़। अब जनरल पर्पज़ में जो है मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ, मोस्ट कंप्यूटर्स इन यूज़ टुडे आर जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स। यानी आजकल के दौर में जितने भी कंप्यूटर्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो जनरल पर्पज़ के लिए, जैसे हमारे पास PC है, हम जो है इन्हें जो है जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, टाइपिंग एंड एडिटिंग, पेरोल्स एंड अकाउंट्स, ये सारे जो है ये सारी एक्टिविटीज़ हम जनरल यानी आम PC से जो है हम कर सकते हैं, यानी जो हमारे घर में मौजूद होता है। यानी वर्ड प्रोसेसिंग यानी किसी टाइपिंग कर सकते हैं हम MS वर्ड में, या फिर एडिटिंग कर सकते हैं, अकाउंट्स वगैरह बना सकते हैं, कंट्रोल मैनिपुलेटिंग फैक्ट्स एंड डेटाबेस एंड मेकिंग साइंटिफिक कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालाइजिंग, कंट्रोलिंग सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड बाय दीज कंप्यूटर्स। ओके, ये बहुत आसान है, आप जो है समझ लीजिए बस ऊपर से कि यानी जो जनरल पर्पज़ जो है हमारे पास कौन कौन से जनरल पर्पज़ हो सकते हैं। जैसे हमारे पास एडिटिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, इन्वेंटरी कंट्रोल मैनिपुलेटिंग फैक्ट्स एंड डेटाबेस एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस हो गई, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस हो गया एंड कंट्रोलिंग सिक्योरिटी सिस्टम को। ओके, दीज आर द जनरल पर्पज़। अब स्पेशल पर्पस क्या है, लेट मी टेल यू, एज अ नेम स्टेट्स, जैसा कि हमें जो है नाम से ही मालूम होता है कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं वो जो है कुछ अहम जो है कोई इम्पोर्टेंट टास्क यानी कोई स्पेसिफिक टास्क को जो है एग्जीक्यूट या फिर उसको प्रोसेस करने के लिए होते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स रिपीटेडली परफॉर्म सिंगल जॉब मोर एफिशिएंटली। यानी जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर्स जो है कोई भी काम जो है बार बार कर सकते हैं, वैसे ही स्पेशल कंप्यूटर्स जो है किसी भी टास्क को जो है रिपीटली यानी रिपीट कर यानी फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू मोर क्लियरली, यानी किसी भी टास्क को जो है रिपीटली यानी उसको बार बार कर सकता है बहुत अच्छे तरीके में। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना आपके एग्जाम में आ सकता है, MCQs वगैरह में। दे आर आल्सो नोन एज डेडिकेटेड कंप्यूटर्स, दीज कंप्यूटर्स आर यूजफुल इन ट्रैफिक लाइट्स। यानी आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं वो क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के जो है कंट्रोल वगैरह करते हैं, कंट्रोल सिस्टम जो है उनका, नेविगेशनल सिस्टम, एविएशन, वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड ATM वगैरह के। ये जो है आप याद कर लें, ये जो है ना और ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, ये सारे जो है ना स्पेशल पर्पस में आते हैं, तो इनको याद कर लें। ऑलराइट, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी द करियर्स इन IT फील्ड, क्योंकि रोल ऑफ कंप्यूटर्स जो है हमारे पास ये काम सी बात है, आप जो है खुद भी पढ़ सकते हैं, इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी इजी टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे द करियर्स इन IT ऑन फील्ड। ओके, तो अगर आपको कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।